नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट पुचार्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है गुलशन पॉलोइल्स लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली, जैसे कि स्टॉक का प्राइस ईयर 2020 में यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किया था एंड आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ईयर 2022 में टॉप क्रिएट किया था। जैसे कि मल्टीपल टाइम हम एनालिसिस किए कि प्राइस क्या कैरेक्टर है, प्राइस हमेशा से चैनल को फॉलो करता है। एग्जैक्टली देखिए, प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था एंड दोनों रेड लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। जब भी प्राइस अपर बाउंड्री को टेस्ट किया है, मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है एंड फाइनली देखिए जिस टाइप उसका मेजर रेजिस्टेंस के आसपास एक हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है। उसी केस में जो उसका प्रीवियस स्विंग लो वो बनेगा स्टॉप लॉस, जो कि बन रहा है 177 के आसपास एंड जिस टाइप का मेजर रेजिस्टेंस के आसपास एक हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट किया है प्राइस, तो यहां पे उसका लाइफ हाई जो लेवल बन रहा है नियरली 350। इसी लेवल को पहले टेस्ट करेगा एंड 350 को ब्रेकआउट करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा उसलिए यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को, क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है, तो लाइफ हाई के ऊपर हमेशा से हम फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू टारगेट मेजर करते हैं। तो इसी ट्रेंड के ऊपर अभी मैं फिबोनाची को प्लॉट कर लेता हूँ। अगर फिबोनाची एक्सटेंशन अभी प्लॉट करूंगा तो जो सेकंड टारगेट बनेगा 1.600 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, जो कि बन रहा है 470 का। प्रोबेबिलिटी हाई है कि जिस टाइप का आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड प्राइस उसका मेजर रेजिस्टेंस के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा है एंड एक हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट किया है, उसका प्रीवियस लो के नीचे रिस्क को डिफाइन करने के लिए स्टॉप लॉस प्लेस करके लॉन्ग किया जा सकता है। पहला टारगेट लाइफ हाई, सेकंड टारगेट 470। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा एंड खुद का एनालिसिस को वार कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे तो देखिए सेल्स ग्रो किया है, उसके साथ नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। अगर किसी भी कंपनी का सेल्स ईपीएस में ग्रोथ आता है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर आ जाता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे, मेजोरिटी होल्डिंग है प्रोमोटर के पास जो कि 67% एंड सेकंड मेजोरिटी क्वांटिटी है पब्लिक के पास। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।